वेलकम है आप लोगों का। आज जो हम लोग मैच कवर करने वाले हैं वो दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच होने वाला है। मैच 3 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है और विडनर डे को होने वाला है। इस मैच डिटेल को पूरा कवर करेंगे, मतलब आपको क्या क्या मिलेगा, टॉस सेशन मैच टीम 11 टीम, ठीक है, तो की प्लेयर क्या है, बेस्ट प्लेयर क्या है, प्लेइंग 11 किसको रखना है, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को फाइनल अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। न्यू की बात करें तो ए आपको राजा कृष्णा रेड्डी इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो गुड फॉर बैटर, बैटर के लिए बढ़िया पिच होता है और सपोर्ट करता है बैटर के लिए। पेस बॉलर अपने अच्छा करते दिख जाएंगे आपको और स्पिनर भी काफ़ी ठीक करते हुए दिखेंगे आपको। वेदर क्या रहता है, तो वेदर आपको हेज देखने को मिलेगा और 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास आप लोगों को कल देखने को मिलने वाला है। और मैच डे की बात करें 62% ह्यूमिडिटी रहती है, 8.3 किलोमीटर विंड स्पीड रहता है, ठीक है, और विजिबिलिटी आपको 5 किलोमीटर देखने को मिलने वाली है। देर आर नो चांस प्रिपरेशन ड्यूरिंग द गेम, मतलब कोई चांस नहीं बनता कि ड्यूरिंग द गेम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो पूरा कवर करेंगे। लेकिन टेलीग्राम पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। राजा शेखरा रेड्डी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्कोर रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल इस पर 10 मैचेस की बात करेंगे तो बैटिंग फर्स्ट ने 3 और बॉलिंग फर्स्ट ने 7 मैचेस ओन किया है। तो मतलब बॉलिंग फर्स्ट लेकर एक अच्छा डिपार्टमेंट की तरफ से जाना मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज 128 है, सेकंड इनिंग एवरेज 116 है। हाईएस्ट टोटल की बात करें 209 पे 8 विकेट है, लोएस्ट टोटल 82 पे 10 विकेट है। हाईएस्ट चेस्ट की बात करें 209 पे 8 विकेट है, लोएस्ट डिफेंड की बात करें 138 पे 4 विकेट है, ठीक है। तो ये पूरा अपना स्कोर रिकॉर्ड है। बात करें आगे मैच डिटेल की, टू हेड में देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर 1 मैचेस से आगे चलते हुए दिख जाएगा। दोनों के बीच काफ़ी हेड टू हेड मैचेस खेला गया है। दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर दोनों एकदम सेम देखते हुए मिल जाएंगे, तो क्या कौन विन करेगा काफ़ी डिपेंड करता है। तो देखो यहीं पे अगर डिसीजन दिया जाए तो मेरे तरफ से कोलकाता नाइट राइडर अपना मैच विन करेगा, ठीक है, और टॉस कौन विन करेगा तो दिल्ली कैपिटल टॉस विन करेगा। यहीं पे प्रेडिक्शन आपको मिल गया, लेकिन फाइनल जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अभी के लिए जो है कोलकाता नाइट राइडर मैच विनर है और टॉस विनर दिल्ली कैपिटल है, ठीक है। तो बात करेंगे पॉइंट टेबल में कैसे देखने को मिल रहा है, तो पॉइंट टेबल में आपको देखने को जो मिलने वाला है सामने है, उससे पहले एक बार रिसेंट फॉर्म आप लोग देख लो, ठीक है। रिसेंट फॉर्म में क्या है कि 2 लॉस अपना करके आ रहा है दिल्ली कैपिटल और 1 ओन किया है, मतलब 3 मैचेज में 2 लॉस किया है 1 ओन किया है। कोलकाता नाइट राइडर 2 मैचेज विन किए, ठीक है, पॉइंट टेबल में वही आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर 2 में 2 मैचेज ओन किया है, दिल्ली कैपिटल 3 में 1 मैचेज हार गए, ठीक है। तो इसने अभी दिल्ली कैपिटल अच्छा नहीं कर रही, इसलिए कोलकाता नाइट राइडर को लेकर चलना एक अच्छा डिसीजन अपने लिए होने वाला है। करें की प्लेयर की, तो की प्लेयर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें दिल्ली कैपिटल के और कोलकाता नाइट राइडर की प्लेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन किसे रखना है, तो डेविड वार्नर, मिचेल मारेस, अक्षर पटेल, सुनील नायर, श्रेयस अय्यर, एंडर रुसेल होने वाले हैं। आइए बनाते हैं एक फाइनल टीम 11 टीम। आप सब चीज़ का स्क्रीनशॉट रखे रहिए क्योंकि काम आता है और उससे एक अच्छी टीम आप बना पाते हैं। आइए बनाते हैं फाइनल टीम 11 टीम। लेकिन अगर आपको फाइनल चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखो बनाएंगे हम लोग फाइनल टीम, ठीक है, दिल्ली कैपिटल एंड कोलकाता नाइट राइडर का ड्रीम 11 फाइनल टीम। लेकिन इसमें बहुत कुछ अपडेट होता है, तो बहुत कुछ जब अपडेट होता है तो जो फाइनल होता है टॉस के बाद जो फाइनल होता है वो मेन वाला फाइनल होता है और वो टेलीग्राम पे दिया जाता है, ठीक है। तो युवराज सिंह एनालिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाओ, ठीक है, और उस पर क्लिक करना है, टेलीग्राम पे आ जाओ, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको फाइनल मिल जाएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं, फिर पूरा मैच को कवर करते हैं। देखो ऋषभ पंत अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से बना रहे हो तो सारे अपने पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आर गुरबाज अगर दिया जाता है इसको, विकेट कीपिंग दिया जाता है, ठीक है, तो ये बढ़िया कर सकता है नहीं कर सकता है इसका सिलेक्शन बता रहा है। लास्ट मैच इसने नहीं खेला है तो इसका सिलेक्शन बहुत कम है। अभी के लिए क्या बेस्ट अपने पास होने वाला है, देखो दिल्ली कैपिटल अपना 1 मैचेज काफ़ी सही तरीके से ओन करते हुए आ रहा है, सीएसके से अपना मैच ओन करके आ रहा है। लेकिन आप लोग देखा जाए तो सीएसके भी काफ़ी अच्छी की थी लास्ट में, धोनी का आपने देखा था, ठीक है। तो अगर कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से हो रहा है तो इसमें भी कंपटीशन काफ़ी सही होने वाला है, ठीक है। और मैंने की प्लेयर बेस्ट फॉर्म सब कुछ क्लियर करा दिया है और लाइव अब आपको ड्रीम 11 टीम बनाकर दिखा रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है जिससे, ठीक है। तो इसमें पी साल्ट अपने लेकर चलना है, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से बना रहे, ऋषभ पंत को अभी नहीं लेकर चलने वाले। अगर आपको लेकर चलना पड़ेगा तो मैं बतला दूंगा लास्ट में, अभी के लिए मेरे पास साल्ट अपने पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। अगर रखना है तो दोनों को रख लो, क्या करना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऋषभ पंत को लेकर चल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता, तो ऋषभ पंत को भी रख लो, ठीक है। बैटर में कौन है,
तो डेविड वार्नर एक बेस्ट ऑप्शन होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट देगा। श्रेयस अय्यर एक बेस्ट ऑप्शन अपने पास है, ठीक है। रिंकू सिंह को लेकर चलना है, रिंकू सिंह को मिलने वाला है। और भी अय्यर चार्ट बैटर्स अपने लेकर चल रहे हैं, काफ़ी बेस्ट बेस्ट हो गए। ऑलराउंडर की बात करें तो अपने पास एक अंडर रूसेल हो गया, अंडर रूसेल को लेकर चलना पड़ेगा। अंडर रूसेल का सिलेक्शन भी काफ़ी सही है, लास्ट मैच काफ़ी अच्छा करके आ रहा है, तो इसको ले लेना है। और एक अपने पास ऑप्शन में होने वाले हैं, एक ले सकते हैं मैरिस को, ठीक है। मैरिस अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाएं, बॉलिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो इसमें यम स्ट्रैक हो गया, केशव यादव हो गया, ठीक है, आई शर्मा हो गया, बी चक्रवर्ती हो गया। तो देखो एक रिस्की बनाना है, सिर्फ रिस्की बॉलिंग में ही बदल सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहता, ठीक है। बी चक्रवर्ती एक रिस्की के लिए जाना है तो आप बी चक्रवर्ती के साथ, आई शर्मा के साथ जा सकते हैं, एक रिस्की प्लेयर अपने पास हो जाएगा। और विकेट कीपिंग या ऑलराउंडिंग में एक प्लेयर डाल लोगे तो आपका एक रिस्की टीम रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी जो सब्सक्राइबर शो कर रहे हैं वो मतलब देखते क्या है, सेफ टीम उनको चाहिए होता है। फाइनल आपको दो तीन टीम जब चाहिए ना तो टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, तो उसको देख लिया करो। अभी के लिए आपका प्रीव्यू दिखलाएं तो कुछ ऐसा टीम आपका रेडी हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन किसे रखना है, ये काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो देखो डेविड वार्नर एक अच्छा कैप्टन अपने पास रहने वाला है, तो इसको लेकर चलना पड़ेगा। और अंडर रूसेल एक बॉयज कैप्टन के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को दिखलाएं तो ऋषभ पंत हो गया, पी साल्ट हो गया, डेविड वार्नर कैप्टन हो गया, रिंकू सिंह हो गया, यस अय्यर हो गया, वी अय्यर हो गया, ठीक है, एम आरएस, अंडर रूसेल, के यादव, यम स्ट्रैक, एड नॉटेज हो गया। तो एक बार फाइनल का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन जो फाइनल रहेगा टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पे आपको फाइनल मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah!